ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की कहानी एक नए मोड़ पर है। ये कहानी अक्षरा और अभिमन्यु की बेटी अभीरा के इर्द गिर्द घूमती है। अभीरा का परिचय इंट्रोडक्शन। अभीरा एक महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की है। वह मसूरी में अपना खुद का रिजॉर्ट चलाती है और उसे सफल बनाने का सपना देखती है। अपने पिता के सख्त परवरिश के कारण वह काफी परिपक्व और जमीन से जुड़ी हुई है। शुरुआत कहानी में एक बड़ा बदलाव आया जब अक्षरा और अभिमन्यु की कहानी खत्म हुई और फोकस उनकी बेटी अभीरा पर शिफ्ट हो गया। अभीरा की भूमिका समृद्धि शुक्ला निभा रही हैं। अभीरा और अरमान। अभीरा की जिंदगी में अरमान की एंट्री होती है। उनकी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होती है जिसका मकसद अभीरा के रिसोर्ट को बचाना होता है। इस दौरान अभीरा को अरमान से प्यार हो जाता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अरमान भी उन्हें प्यार करता है। उद्दार परिवार का ड्रामा। अभीरा और अरमान की शादी में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। उद्दार परिवार में कई लोग खासकर कविता, संजय, कजल और विद्या उनकी शादी के खिलाफ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ परिवार के बाकी लोग अभीरा और अरमान को साथ देखना चाहते हैं। रूही का दखल। अभीरा की खुशियों में रूही भी रोड़ा हटकाती है। वो अरमान के साथ अपनी पुरानी रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताती और अभीरा और अरमान की शादीशुदा जिंदगी में जलन महसूस करती है। अभीरा और अरमान का प्यार। धीरे धीरे कहानी में ट्विस्ट आता है। अरमान को अपने प्यार का एहसास होता है और वो शादी के मंडप में रूही को छोड़कर अभीरा के पास चला जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या अभीरा और अरमान का प्यार जीत पाएगा। आगे क्या होगा कहानी का भविष्य। फ्यूचर ऑफ द स्टोरी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अभीरा और अरमान की कहानी प्रेम कहानी में बदलेगी या नहीं। कहानी में आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जान पाएंगे और उनके बीच कोई रिश्ता बन पाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अभी और भी कई उतार चढ़ाव आने बाकी हैं। ये देखना होगा कि क्या कविता और बाकी रिश्तेदार अभीरा और अरमान को स्वीकार करेंगे। वहीं रूही की चालबाजियां भी अभीरा की खुशियों के लिए खतरा बन सकती हैं।